राहुल को नोटिस पर भड़की कांग्रेस। रायपुर में ईडी दफ्तर का कल घेराव। कहा नफरत और डर की राजनीति कर रही केंद्र सरकार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने पर कांग्रेस भड़की हुई है। पार्टी विरोध जताने के लिए रायपुर में ईडी के दफ्तर का घेराव करेगी। यह घेराव सोमवार 13 जून को प्रस्तावित है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने इस विरोध प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली है। तय हुआ है कि कांग्रेस कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर पदयात्रा करते हुए पचपेड़ी नाका के पास स्थित ईडी के दफ्तर जाएंगे। वहां कार्यालय का घेराव होगा। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे ने कहा, केंद्र में बैठी मोदी सरकार जनहित से जुड़े विकास के कार्यों को छोड़कर धार्मिक भावनाएं भड़काकर लोगों में नफरत की भावना पैदा कर रही है। देश में आम लोगों से जुड़ी समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। दुबे ने कहा, केंद्र सरकार सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर केंद्र की सरकार द्वारा की जा रही नफरत और डर की राजनीति को जनता तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को आम जनता तक पहुंचाएगी। बैठक में भी नोटिस का तीखा विरोध। घेराव और प्रदर्शन की तैयारियों के लिए रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक राजीव भवन में हुई। वहां मौजूद नेताओं ने ईडी मामले में तीखा विरोध किया। नेताओं का कहना था कि केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश में है। पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।